बीच वोटिंग बीजेपी के इशारे पर सपा उम्मीदवार को किया नजरबंद। पुलिसिया एक्शन का वीडियो देख लिया तो आप रह जाएंगे हैरान। जब देखा अब हो जाएगी हार तो फिर पुलिस का सहारा लेने लगी सरकार। ऐसे तो किसी अपराधी पर भी नहीं होता एक्शन, जैसे सपा उम्मीदवार को पुलिस ने घेरा। पुलिस के पीछे किसका है हाथ, सपा ने कर दिया साफ। वीडियो देखने के बाद सपाइयों ने लगा दी क्लास, सत्ताधारियों का निकाल दिया जुलूस। एक तरफ मतदान जारी है और दूसरी तरफ मनमानी का दौर जारी है। जैसा सबको ही पता है कि सपा उम्मीदवार लालजी वर्मा को उनके घर में नजरबंद किया गया है, लेकिन अब इस खबर के पुख्ता सबूत भी सामने आ चुके हैं। पुलिसिया एक्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और सवालों पर सवाल किए जा रहे हैं। जो वीडियो सामने आया है उनसे हड़कंप मच गया है और सवाल किया जा रहा है कि वोटिंग से पहले आखिर सपा उम्मीदवार को क्यों नजरबंद किया गया, आखिर पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है। तो अब मामले में सपा की तरफ से एक से बढ़कर एक दावे किए गए हैं और हर दावे का एक सबूत भी पेश किया गया है। सपा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अंबेडकर नगर से प्रत्याशी लालजी वर्मा को नजरबंद करने का सबूत पेश किया। सपा के मीडिया सेल ने पहले ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि सूचना है कि अंबेडकर नगर से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर योगी सरकार के इशारे पर पुलिस ने दल बल के साथ पहुंचकर प्रत्याशी को नजरबंद किया है और मतदान करने से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को रोका जा रहा है। चुनाव आयोग को टैग करते हुए आगे लिखा गया कि बताएं कि ये किस नियम के तहत पुलिस कर रही है और क्या यही आपकी निष्पक्षता है। अरे शर्म कर लो चुनाव आयोग, शर्म बेशर्मी से कब तक बीजेपी की बीन पर नाचोगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने यह वीडियो शेयर कर लिखा कि अंबेडकर नगर के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी लालजी वर्मा को नजरबंद किए जाने की सूचना मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार हार के डर से इतनी बौखलाई हुई है कि खुलेआम तानाशाही पर उतर आई है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छठे चरण की वोटिंग के बीच अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर उन्हें छापेमारी कर नजरबंद करने पर सवाल उठाए, जिससे सियासत गर्मा गई। सपा अध्यक्ष ने लालजी वर्मा के घर का वीडियो शेयर किया जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस की टीम दिखाई दे रही है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा कि सपा के जीत रहे अंबेडकर नगर प्रत्याशी श्री लालजी वर्मा के घर पुलिस भेजकर छापा मारा गया, लेकिन पुलिस को न कुछ मिलना था न कुछ मिला। ये श्री लालजी वर्मा जी की ईमानदार छवि को धूमिल करने का कुकृत्य है, घोर निंदनीय। ये हारती हुई भाजपा की हताशा है। वीडियो में एक शख्स ये भी कहता दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले दीवार कूद कर घर में घुसे हैं। वहीं सपा उम्मीदवार लालजी वर्मा ने प्रशासनिक अमले पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है और कहा कि इसका जवाब लोग अपने वोट से देंगे। सपा नेता ने कहा कि मुझे चाहे जितना प्रताड़ित किया जाए, लेकिन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। मैं समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों से अपील करता हूं कि आप सभी अपने बूथों पर मुस्तैदी से वोट पड़वाएं। सुबह से सर्व समाज का, खासकर दलित समाज का मुझे जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उसका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप सभी अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा वोट पड़वाएं और बिना किसी भय के बूथ पर डटे रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।